और एक खूबसूरत नज़ारे खीरगंगा ट्रैक के जाने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे आना, बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे हस्बैंड फोर्सफुली मुझे यहाँ पे आए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल, और आज यहाँ पे है मेरा डे टू। तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ, मेरे को निकलना है 7 बजे तक, अभी बजे 6:30, और फटाफट से फ्रेश अप होता हूँ और फिर निकलता हूँ कीरगंगा के लिए। यहाँ से पहले मैं जाऊँगा बरसैनी, और बरसैनी से ट्रैक शुरू होगा कीरगंगा के लिए। तो रात को काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली ठंड थी यहाँ पे कसौल में, मतलब पूरा पैक वैक होके सोए हैं, चार चार कंबल लेके सोया हूँ, तब भी ठंड है, मतलब 0 डिग्री तक, 1 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर रहा है यहाँ पे भी। और एक बार यहाँ बाहर का आपको नज़ारे दिखा देते हैं, सुंदर सुंदर ठंड की वजह से आप देख सकते हो कि पूरी लेयर जमी पड़ी है यहाँ पे, नज़ारे बाहर के मॉर्निंग के, ये सुबह सुबह के नज़ारे। सच में मज़ा आ जाता है ऐसे नज़ारों को देख के उठो तो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे कसौल से। इस होटल की सबसे बढ़िया बात यही है कि इसका जो व्यू है मेरे रूम से, बहुत सुंदर व्यू है बेसिकली। अब ठंड बहुत ज़्यादा है, पहले 5 मिनट बैठता हूँ, अपने आप को गर्म करता हूँ, फिर वापस से उठूँगा जाने के लिए, फिर मिलते हैं आपको ट्रैक पे। गाइस, दिस इज द होटल और यू कैन से होम स्टे वेयर वी आर स्टेइंग एंड हाउ इट लुक्स। अभी हम इतना सारा लगेज कैरी करते हुए गाड़ी की तरफ जाते हुए, और काफ़ी लेट हो चुकी है, करीब 7:15 हो चुका है टाइम, निकलते निकलते ही हमें कसौल से कोशिश करी थी जल्दी निकलने की, बट टाइम लग गया, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, और अभी भी ऐसा लग रहा है उंगलियाँ काम नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ये रही हमारी गाड़ी जो बहुत ही बुरी हालत में हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है, उसमें फटाफट रखते हैं सामान। तो ये हैं यहाँ के कुछ सुबह सुबह के नज़ारे, और हम निकल चुके हैं कसौल से बरसानी की तरफ, और ये जो रोड है कसौल से मणिकरण जाता है, मणिकरण से बरसानी। तो अगर अभी आप देखोगे तो रास्ते में मणिकरण साहिब भी पड़ेंगे, वो जो मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा है वो भी पड़ेगा, और उसके बाद बरसानी आएगा। तो अभी तक हम पहले अपनी गाड़ी से बरसानी तक जाएंगे, और उसके बाद गाड़ी बरसानी में पार्क करके फिर ऊपर ट्रैक करके खीरगंगा तक जाएंगे। तो बेसिकली आज का हमारा कंप्लीट टारगेट है कि खीर गंगा ट्रैक पूरी तरीके से कंप्लीट करना, एंड आज रात को हम ऊपर ही रुकेंगे और कल मॉर्निंग में हम वी विल गेट डाउन। मेरे हाथ देख के आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है, ये हाथों की हालत है, गाड़ी चलाई नहीं जा रही, और आप यहाँ देख सकते हो इतनी जैकेट वगैरह पहन रखी है, पूरा पैक हुए बैठे हैं, तब भी ये ठंड में हालत भी बुरी नहीं पड़ी है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा गंदी वाली, राइट एग्जैक्टली, पूरे पैक होकर बैठे हैं सुबह सुबह से। यहाँ पे अब मणिकरण साहिब गुरुद्वारा आ चुका है, रास्ते में आप देखोगे तो ये है बस स्टैंड मणिकरण साहिब का, और यहाँ सामने मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे टेंपल, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बरसानी। सो गाइज, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, ये है बरसैनी, बरसैनी का लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ गाड़ी पार्क हो जाती है और इसके आगे से शुरू होता है हमारा ट्रैक। तो यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं बेसिकली, एक रास्ता जाता है कालगा फुलगा होते हुए, और एक रास्ता जाता है तोश विलेज होकर, तोश से जो लोग खीरगंगा करने जाते हैं वहाँ के, और एक रास्ता जाता है सीधा जो जंगल का रास्ता बोलते हैं इसे, तो वो सीधा पॉइंट पड़ता है और वही शॉर्टेस्ट पॉइंट पड़ता है खीरगंगा के लिए। तो पता करते हैं कि ये अभी कोई रास्ता बंद तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सामने किसी कैफ़े है, मुझे यहाँ से शूज़ वगैरह लेने थे बट ये बंद है, तो फिर मेरे को वापस जाना पड़ा अपनी गाड़ी से, वापस होकर आया हूँ मैं बस स्टैंड से मैंने शूज़ लिए हैं, ये हमारे शूज़ बेसिकली ट्रैकिंग शूज़ हैं ये बर्फ़ पे चलने के लिए, और ये 2 स्टिक्स, और 100 रुपीज़ ईच चार्ज लिया है इनका। तो अब ट्रैक शुरू करते हैं वापस से। तो गाइज़,
ये है एक रास्ता कालगा फुलगा गाँव होते हुए खीरगंगा तक जाने के लिए, ये थोड़ा लंबा पड़ता है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यहाँ से एक रास्ता है तो यहाँ से होके निकलते हैं। सो गाइस ये पॉइंट है, यहाँ नीचे से की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये खीरगंगा के लिए तरफ जाता है, और जो रास्ता ऊपर के लिए जा रहा है वो तोश के लिए जाता है। तो हमें खीरगंगा जाना है तो हमें नीचे वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। और ट्रैक के शुरुआत में ही शिखा को ठंड तो लगी रही है, साथ में थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक सजेशन कि अपने जो स्ट्रैप्स हैं वो छोटे छोटे रखें, नॉर्मल चलें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना मचाएं, धीरे धीरे चलें। सो गाइस अभी हमें सामने नीचे एक ब्रिज है वो क्रॉस करके जाना है, तो अभी हम यहाँ से उतरेंगे। तो रास्ता बहुत ही छोटा है तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस जगह जगह पे ऐसे मार्क्स बने हुए हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए, तो ऐसे जगह जगह मिलते रहेंगे आपको। तो रास्ता जैसे कोई भूले ना। तो शिखा आगे कभी आना चाहोगी ट्रैक पे? बिल्कुल आएंगे आएंगे। तो ऐसे थकी थकी हालत में होगी? आज तक का सबसे टफ ट्रैक लगा है मुझे, अभी तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रैक है। अभी तो थोड़ा सा शुरू हुआ है, अभी थोड़ा ही हुआ है। क्या टाइम हो रहा है? हम चल रहे थे 9:00 पे। हाँ। और अभी 10:00 हो रहे हैं। सिर्फ एक घंटे की चढ़ाई की हमने। एक घंटे की चढ़ाई में इसकी बुरी हालत हो गई है, और सबसे एक बेकार बात यह है कि हमने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ। तो धूप काफ़ी ज़्यादा निकल गई है तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी है अब। हाँ। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ कपड़े उतारते हैं, उन्हें बांध लेते हैं, क्योंकि बैग हमारा पहले पैक है जो मैंने उठा रखा है वो तो ओवरलोडेड है। हाँ। इसके में थोड़ा बहुत सामान है खाने पीने का और कैमरे की एक्सेसरीज। तो ये जो जैकेट्स वगैरह हैं या मफलर वगैरह ये उतार के बांध लेते हैं कहीं कमर वगैरह पे जैकेट को। हाँ। और उसके बाद कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तक एक चीज़ और नोटिस की है, पूरे ट्रैक पे मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा जो खीरगंगा जा रहा हो। हम दोनों अकेले जा रहे हैं। हाँ। बस हम दोनों ही जा रहे हैं और हमें जाते कोई भी ग्रुप नहीं दिखा, कोई सिंगल बंदा नहीं दिखा। तीन चार लोग स्टार्टिंग में मिले थे लेकिन उन्होंने कुछ काम था तो वापस लौट गए, नोट नो आए। और रास्ते में अभी तक एक भी कैफ़े खुला नहीं मिला, बहुत सारे कैफ़े दिखे बट एक भी कैफ़े खुला नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, सब कुछ क्लोज है। तो अभी हमारे पास चॉकलेट्स हैं अपनी कुछ, तो कुछ खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी थोड़ा चॉकलेट और कुकीज़ वगैरह खा ली हैं, थोड़ी एनर्जी आई है, पानी वगैरह पी लिया है, 10 मिनट रेस्ट कर लिया, और अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। सो गाइस अभी यहाँ पे जो कैफ़ेज़ थे वो बंद था, तो एक कैफ़े का बंदा आया, ओनर, उसने कैफ़े खोला। तो मैंने पूछा कि आप इतना लेट क्यों खोलते हैं, बताया कि वो बरसाने रहते हैं तो वो रोज़ खुद ट्रैक करके इतनी दूर आते हैं कैफ़े खोलने के लिए अपना। बाकी ऐसे साइंस मिल जाएंगे आपको जगह जगह पे खीरगंगा के लिए, साइन बोर्ड खीरगंगा का। सो गाइस अब जाके यहाँ पे मेरे को कुछ लोग मिले हैं जो साथ में ट्रैक कर रहे हैं फाइनली, और गाँव के बीच में से ये रास्ता निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पतला रास्ता है और गाँव गाँव के बीच में से ऐसे घर वर जो प्रॉपर लकड़ी के बने हुए हैं, पुराने टाइप के पत्थर लकड़ी इस करके घूमते रहेंगे, मतलब तो बीच बीच में कई गाँव आएंगे। हेलो हर एक दोस्त कमी ना होता है यार, पांचों दोस्तों की फोटो, वेरी गुड यार। तुम पांच ही हो हमारे, सबने पहनी हुई है ये वाली, अच्छा अंदर ये बहुत सही है, वहां जाके उतारे। सो गाइस अभी हम नक्तान एंड रुद्रनाग के बीच में कहीं हैं, तो ये बेसिकली आगे नक्तान ले जाएगा प्रॉपर, और रुद्रनाग रिवर, रुद्रनाग, तो उसके बीच में अभी हम कहीं कहीं हैं। Thank you.
एक छोटा सा वाटरफॉल। जब ऐसे कहीं माउंटेन्स पे जाते हैं जहाँ पर रिवर वगैरह हो तो माउंटेन्स पे से ये इस तरह के वाटरफॉल्स निकलते रहते हैं छोटे छोटे। ये डॉग हमारे साथ तब से ट्रैक कर रहा है, पीछे से साथ में ट्रैक कर रहा है, ऊपर तक साथ जा रहा है। टीम पार्टनर हो रहा है हमारे साथ। इंट्रोडक्शन दो यार अपना। शिखा कुछ कहना चाहोगी इस प्लेस के बारे में? कभी भी अपने पति की बात ना माने। आपका पति अगर आपको इस ट्रैक पे लाना चाहे तो बिल्कुल भी मत आओ जब तक आपके अंदर से कुछ ना आए। ये लड़की बहुत जल्दी हार मान लेती है। मैं हार नहीं मानती, जो पॉसिबल हो वही चीज मुझे। तो ये ट्रैक पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है और इजीली हो भी पा रहा है। ये लड़की बस थोड़ी घबरा जाती है चल चल के। और ये हमारा न्यू फ्रेंड, हेलो, ये हमारे साथ ट्रैक तक जाएगा पूरा, पीछे से आ रहा है साथ में जाने के लिए। और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे, यहाँ से अच्छी खासी बर्फ़ शुरू हो चुकी है, यू कैन सी। और ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है, एक दो दिन पहले ही पड़ी है लग रहा है। ओह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यू कैन सी। ओह माय गॉड, ये है रुद्रनाग टेंपल, ये है रुद्रनाग प्लेस, बेसिकली रुद्रनाग टेंपल। तो गाइस बहुत ज़्यादा नैरो रास्ता हो गया, अब इसको डर बहुत लगता है। डर के हमारे इसकी जान निकली हुई है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है और स्लिपरी भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है। तो अभी चलते हैं। बर्फ़ के ऊपर चलते हुए, ये पूरी प्रॉपर बर्फ़ है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। इस तरह के बर्फ़ के रास्ते में खीरगंगा पर ट्रैक करते वाला की फील आ रहा है। और एक खूबसूरत नज़ारे खीरगंगा ट्रैक के जाने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे आना, बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे हस्बैंड फोर्सफुली मुझे यहाँ पे आए हैं। अभी दो मिनट पहले बोल रही थी मुझे क्यों लेके आए, मुझे क्यों लेके आए। चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी ना, ये चीज़ें अच्छी लग रही है यहाँ पे। अब बर्फ़ स्टार्ट हो गई है ना, अब मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो हमेशा से अच्छा लग रहा था। चलो मैं चूज़ इसलिए किया था इस बार के लिए ट्रिप के लिए जगह, इसलिए आपसे पूछना नहीं है दोबारा। हमें मुझे तो शुरुआत से ये जगह अच्छी लग रही थी। अच्छा अच्छी लग रही थी। हाँ जी। और ये आ गया है यहाँ का ब्रिज। Oh my God! Look at this view, guys. Look at this view. This is mesmerizing. भाई साहब क्या व्यू है यार। पैर फिसलाना बहुत गंदे लग रहेंगे। कंट्रोल नहीं हो पाते यहाँ पर। हाँ ये जाली अपने लिए लगाई है। कौन सी जाली? ये जाली अगर हम गिरे तो इस पर लटक जाएंगे। नहीं नहीं लटक नहीं जाएंगे, साथ में जाली भी नीचे ले जाएंगे। ठंड बढ़ रही है वैसे, अब ठंड बढ़ने लगी यहाँ पे बर्फ की वजह से। हाँ थोड़ा हवा बन रहा है, बेनिफिट अपने हवा चल रही है, ज़्यादा दिक्कत। उतरने में ज़्यादा रिस्की होगा ये, हाँ स्लाइड करते हुए आएंगे। सही ग्रुप बड़ा हो गया ना? हाँ ग्रुप बड़ा होता है। और हम लोग वहाँ से ट्रैक करते हुए पूरा रास्ता यहाँ तक आए।
बहुत मुश्किल है उतरना, बहुत मुश्किल उतरना, पहले चढ़ना मुश्किल है, बाद में थोड़े उतरेंगे कैसे। ओ भाई आ रहा है वहां से, पूरा ट्रैक कर दो, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रास्ता भूल चुके हैं सब लोग, रास्ता ढूंढते हुए सब अपने अपने व्यू दे रहे हैं। यहाँ पे खीर का लिखा भी नहीं, सही बात है। ओ भाई इसलिए पैर में गड्ढा है बहुत बड़ा, साला कहाँ गहरा निकल जाए पता नहीं है, ढूंढ भी नहीं पाए। देखो वो लोग वापस भी आ रहे हैं, कल क्या आ गए होंगे ना वो, शाम को आना तो मुश्किल लग रहा है, अंधेरे में ना आप उतर नहीं पाओगे, कहीं और ही पहुंचोगे अगर अंधेरे में उतरने की कोशिश करोगे तो। हाँ एक भी स्लिप हो गया ना तो कोई फायदा नहीं है। और ये खीर गंगा ट्रैक स्नो ट्रैक बन चुका है, खीर गंगा जा रहे हो? हाँ वर्थ इट, वर्थ इट। कैसे भाई थक गए क्या? भैया टेक के टेक वे स्किप ध्यान से भैया, विदाउट गाइड नहीं जाना। हाँ? अच्छा विदाउट गाइड नहीं, विदाउट गाइड, गाइड वेरी डेंजरस। ओह सामने तो अभी थोड़ा डेंजरस हुआ, ये ट्रैक है स्टीप है। ओके सो गाइस जो कुछ लोग मिले हैं मेरे रास्ते में वो कह रहे हैं कि विदाउट गाइड मत जाना, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है दो रास्ते और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, कोशिश करते हैं संभल के जाने की और टाइम से पहुँचने की, बट वर्थ इट है यहाँ पे आना, मज़ा आ गया फुल ऑन। इनके जूते स्लिप हो रहे हैं, अरे यहाँ पे तो सारे जूते स्लिप हो रहे हैं, इनका गुडलैंड का दूसरा जूता है, संभाल के बिल्कुल, और ट्रैक टफ होता हुआ। जल्दी पहुँचेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो में मैं जरूर आऊँगा और एक वीडियो लाइक करूँगा और लिखूँगा ये मैं हूँ, थैंक यू। ट्रैवलर विवेक पे हेलो, और पाजी बढ़िया पाजी, थचा ब्यूटीफुल व्यू इट इज। और ये हमारे पांच दोस्त, ये से हाय टू कैमरा, हाय 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 सर हेलो। तो हमारी टीम काफी बड़ी हो चुकी है, काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं टीम को, दो से दस हो गए हैं, लगता है हम पहुंचते पहुंचते 250-300 हो जाएंगे। ये वो मल्टीप्लाई सिस्टम लागू करेंगे। हेलो तो यहाँ चाय पीने का वेट करते हुए, अभी ऑर्डर किया 7 कप चाय, आने के बाद पता लगेगा चाय ठंडी आई गर्म आई, वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर जम गई यहाँ तक आते ठंडी हो जाएगी। 4500 रुपये एक टी शर्ट पड़ी हमें, और हमारे ब्लॉगर सब आगे खड़े हैं, हम उनको कुछ जरूर कहना चाहेंगे, सर कुछ एक और वो लेके आइए जिससे रास्ता समतल कर सके, फिर मजा क्या आएगा ट्रैक का। हाँ जी ट्रैक का मजा क्या आएगा फिर, होंगे तो ट्रैक होगा ना। थैंक यू। क्या भी गिरता गिरता हम कम हो जाते एक मंजिल तक पहुंचेंगे। ओ आराम से भाई आराम से आराम से। तो यहाँ पे रास्ता गुम हो गया है तो खुद ही ढूंढना पड़ रहा है रास्ता, मिल गया चलो भाई। वन टू थ्री एक साथ भारी पड़ जाएगा। अच्छा नहीं हम रुकेंगे, हम रुकेंगे ऊपर अब किरंगा, अरे भाई किरंगा पहुंचने के लिए ही गाइड पहुंचने के लिए क्यों पता नहीं चलेगा। हां और कुछ नहीं, लास्ट का 10 मिनट हां लास्ट, और अभी कितना टाइम लगेगा? अभी तो आप 2 घंटों में तो पहुंच हैं, अभी कितने किलोमीटर है? अभी 3 किलोमीटर जैसा रहेगा भाई, पिछला 3 किलोमीटर चल रहा हूं, हर एक किलोमीटर पर हर बंदा ये बोलता 3 किलोमीटर बचा हुआ है। ओ भाई ये अच्छा है, जैसे भैया जा रहे हैं नीचे वाला आसान लग रहा है, बहुत आसान है भाई से पूछा बहुत ज्यादा नीचे जा रहा वो देखो वहाँ, मगर ये
मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। देखा कैसी बातें बोल रही हो, जिंदा वाले नहीं अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं पहले आना नहीं चाहती थी, मैं तो अगर कोई यहाँ से गिरा तो सीधा सामने। बहुत गंदी हालत हो चुकी है, अब तो चलना नहीं जा रहा, थकावट हो गई बहुत गंदी आ रही है, ऊपर से बैग बहुत भारी है और रास्ता बहुत ऊपर स्टीप होता जा रहा है, सांस लेने लगी है। एंड ऑल ये हमारे अपकमिंग ब्लॉगर, थैंक्स, हाय, डेफिनेटली बनेंगे बनेंगे। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं खीरगंगा ट्रैक को पार करके अपनी मंजिल तक, और ये मंजिल काफ़ी खूबसूरत रही और ड्रावनी रही, जैसे दोस्तों के साथ मिल गया रास्ते में वो बहुत ही अच्छा रहा। इनके साथ के साथ साथ हम लोग ऊपर जा रहे हैं ट्रैक के लिए, ट्रैक के लिए डेफिनेटली। और ऊपर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, और ऊपर काफ़ी सारे कैंप्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। So we almost reached to Khirganga track safely and happily. Shikha, yes. Would you like to say anything to the viewers? Yes, we have reached to the peak now. और जिंदगी में पहली बार कोई ट्रैक मैंने पूरा किया, करने वाली हूँ, about to reach. 100 meters बचा हुआ मुश्किल से, और हमें सब दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं। इस तरह के कैंप्स बने हुए हैं यहाँ पे, लुक एट द व्यू। तो इतनी मेहनत करके आए हैं, इतनी ऊपर तक चढ़ के, तो व्यूज़ का कुछ फ़ायदा थोड़ा है। ये सारे कैंप्स बने हुए हैं, अभी हम भी अपना कैंप करते हैं और फिर उस कैंप में अंदर से जाके दिखाते हैं आपको किस तरह का कैंप है। यू कैन सी हियर। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं खीरगंगा ट्रैक पे, खीरगंगा कैंप्स के पास। तो ये हमारा कैंप है जिसमें अभी रुके हैं। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो कैंप्स थे बाहर, जो कैंप है टेंट वाले कैंप, उसका प्राइस आपको 600 से 800 रुपए के बीच मिल जाएगा। लेकिन जो भी मैंने कैंप लिया है ये प्रॉपर लकड़ी का बना हुआ है, तो हवा वगैरह नहीं आएगी। जो नॉर्मल कैंप्स होते हैं टेंट हैं उसमें हवा आती काफ़ी ज़्यादा रात को, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने प्रॉपर लकड़ी के बने हुए कैंप लिए हैं, इसमें हवा नहीं आती, हवा क्रॉस नहीं होगी। सो इसका चार्ज है 1000 रुपये पर पर्सन। अगर आप इंक्लूडिंग फूड लेते हो जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है तो 200 पर पर्सन लगता है। तो हम सारे ग्रुप के बंदे सब मिल गए थे, 10 बंदे थे टोटल, तो 10 बंदों के हमने 11000 रुपये में फाइनल कराया, जिसमें इंक्लूडिंग लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ हमने बात किया। ये कैंप अंदर से इस तरह से यहाँ पे एक बेड टाइप में बनाया हुआ है, यहाँ नीचे बेड है, बेड क्या जमीन पर बिस्तर बिछाए हुए हैं, वहाँ पर बिस्तर बिछाए। यहाँ पे एक चिमनी टाइप में है, इसमें रात को आग लगा दी जाती है तो हीट बनी रहती है रूम के अंदर और सारा धुआं इस पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इस तरह का कैंप है और रजाई गद्दे भी अच्छे हैं। तो अब थोड़ा लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम हॉट वाटर स्प्रिंग में, थोड़ा नहा के आते हैं और एंजॉय करके आते हैं। और मैं गाइस आपको बता देता हूँ मुझे कितना टाइम लगा है। मैं करीब 9 बजे सुबह ट्रैक स्टार्ट करा था, मैं 7:30-7:15 बजे करीब मैं निकला था अपने होटल कसौल से और 1 घंटे में आ गया था बरसैनी 8:15 बजे तक। उसके बाद मैंने थोड़ा पता किया, शूज़ वगैरह लिए, थोड़ा पैदल गया, तो करीब मेरे को 9 बज गए गाड़ी पार्क वगैरह करने के लिए, 40-45 मिनट लग गए। उसके बाद मैंने 9 बजे कैंप शुरू करा था अपना, 9 बजे मैंने अपना ट्रैक शुरू करा था और उसके बाद मैं
यहाँ पे 3 बजे आके लगाऊँ, तो ऑलमोस्ट मेरे को 6 घंटे पूरे लग चुके हैं, जिसमें मैंने 3-4 जगह रास्ते में रेस्ट भी कराया, बैठा भी हूँ, खाया पिया भी है, तो 6 घंटे लगे मुझे कैंप तक पहुँचने में खीर गंगा गई। तो 6 घंटे का ट्रैक हो गया है मेरा, और करीब 15 किलोमीटर का ये ट्रैक है, और ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। करीब आधा ट्रैक मैंने पूरा अपने वीडियोज़ में देखा होगा, अभी पहले वीडियो में देखा होगा कि पूरा जो ट्रैक था वो स्नो था और हैवी पीक था, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, और कई जगह पे पॉइंट्स ऐसे थे स्नो के बहुत ज़्यादा स्नो थी, तो रिस्क भी था बट मज़ा आया। ओवरऑल जो जर्नी थी अभी तक की वो बहुत अच्छी रही।